कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने अब खुद को मजबूत करना और अपनी टीम को अधिक सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 3000 पदों की सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए अपर कलेक्टर की मौजूदगी में साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से सीख लेकर शासन से अपने स्टाफ को और बढ़ाने की मांग की थी, जिसकी भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अलग अलग अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार इनको पदस्थ करेगा। डॉक्टर्स के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और वार्ड स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी भर्तियां निकाली गई थी। इसके लिए भी जल्द ही साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम लोग अभी नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग 3500 वैकेंसी हम लोगों ने पब्लिश की थी, जो न्यूज पेपर के माध्यम से रखी है। उसके प्रथम चरण में अभी हमारे पास BAMS, BHMS, MBBS कुल लगभग 270 आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए थे, जो कल तक की स्थिति में थे। उनके लोगों को हमने वॉक इन इंटरव्यू के लिए आज यहाँ पर बुलाया है।